जैसे कई लोग क्या कहते हैं, भाई सर्विस करा ली हमने, इसमें गियर ऑयल चेंज करा दिया। बहुत से लोग खोलते नहीं है इसको। और जितने एरिया से दो बाइक निकलती है उतने एरिया में से ये निकल भी जाती है। को अब डीजल गाड़ियां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डीजल गाड़ियों का क्या फ्यूचर रहने वाला है? मतलब ये गाड़ी भाई ऐसी है, अगर आपका रूटीन बिल्कुल फिक्स है ना, मतलब तो भाई 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भाई ऐसा इंजन दिखता है बाहर से। मैं तो कहता हूँ ये 5 लाख भी चले ना तो ये खराब नहीं होगा। अच्छा, मेरा मेन कारण यही था आपको बताने का कि भाई। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूं भाई गुड़गांव सिटी में अपने MG कॉमेट के अंदर। एंड भाई अपने को तो भाई फुल मजा आता है इस गाड़ी में चलाने में ना। इतनी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है, सिटी के लिए तो भाई बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। किलोमीटर आपके प्रॉपर है कि भाई मेरे को 150 से 170 के अराउंड चलना है तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए। मतलब ये गाड़ी भाई ऐसी है, अगर आपका रूटीन बिल्कुल फिक्स है ना, मतलब फिक्स ये कहना कि किलोमीटर आपके फिक्स है ना, तो उसमें भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यार सिटी में हम मान लो मैक्सिमम कितना चला लेंगे, 100, 120, 150 चला लेंगे, 170 तक भाई मैंने टेस्ट कर लिया सिटी के अंदर। मेरे पास जब ये गाड़ी आई थी 1017 किलोमीटर चली हुई थी, अब ये 1421 किलोमीटर चल गई है। हाईवे का भी टेस्ट मेरे को एक बार इस पे करना है, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि आप हाईवे पे भी इसको लेके निकल सकते हो या नहीं निकल सकते, क्योंकि इसके अंदर भाई अब तक अपने को ना फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलता है भाई। अब इसके अंदर ना फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया कंपनी ने। वैसे तो देखो कंपनी ने इसका प्राइस ना घटा दिया है, काफी हद तक घटा दिया। अब ये देखो छोटी सी जगह है ना, ये देखो मस्त निकल जाती है। ये सबसे बेस्ट है भाई इसका, कहीं से भी निकाल लो, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी भी पार्किंग है ना, मान लो 2 बाइक जितना जगह पार्किंग लेती है ये बस। और जितने एरिया से 2 बाइक निकलती है उतने एरिया में से ये निकल भी जाती है, तो ये तो भाई सुख है इसका सिटी के अंदर। इसकी ना रेंज बताती है 230 किलोमीटर फुल चार्ज में, लेकिन जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो दिखाता है 100% एंड 200 किलोमीटर, यानी ये आपकी 1% में 2 किलोमीटर चलेगी। पहले जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो 170-175 के अराउंड इसने निकाला था फुल चार्ज के अंदर। अभी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ी सी ज्यादा चली हुई थी, ये बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं नई में कितना बेटर परफॉर्मेंस आता है। क्या कोमेट वाकई में बनी हुई है हाईवे के लिए या सिर्फ सिटी के लिए? सिटी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई। अगर आपका बजट है ना इन एंड अराउंड, आप मान के चलो इस 7.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। 3 वेरियंट आते हैं इसके अंदर एंड टॉप ऑफ द लाइन में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ही है, मस्त AC चलता है, एंड्रॉइड और ट्रैपल कार प्ले आपको वायरलेस मिलता है, स्टोरेज स्पेस भी अच्छा खासा है। तो जिस हिसाब से गाड़ी को सिटी के लिए बनाया गया है ना, उस हिसाब से गाड़ी के अंदर ना काफी स्पेस है। काफी लोगों को ना इसके 2 दरवाजे बड़े अखरते हैं कि यार इसमें दो दरवाजे हैं। अभी रिसेंटली जिस वीडियो मैंने बताया था ना अनमोल की गाड़ी हमने बेच दी, उस वीडियो को जाके देखना, उसमें मैंने ना 4 बंदों के साथ गाड़ी टेस्ट करी थी। 6 फुट का एक बंदा आगे, 6 फुट का बंदा पीछे, मतलब 4 बंदों के साथ आराम से मतलब ट्रैवल कर सकते हो आप। दो कंफ्यूजन तो यार बहुत तगड़े हो रखे हैं आज की डेट में, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां वाकई में फ्यूचर है या आपको प्लग इन हाइब्रिड चाहिए, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड अभी इंडिया में है नहीं, नॉर्मल हाइब्रिड कार्स है इंडिया में। और क्या डीजल गाड़ियां निकट भविष्य में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्या आपको अब डीजल गाड़ियां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डीजल गाड़ियों का क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे रूमर्स ना मार्केट में है कि 2027 के बाद डीजल इंजन बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई डीजल इंजन लेने वालों, अभी डीजल इंजन बंद नहीं होने वाले निकट भविष्य में, 2027 तक तो बंद नहीं होने वाले हैं। अभी तक सरकार ने कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है कि जिसमें कहा गया हो कि डीजल इंजन बंद होने वाले। हाँ, डीजल गाड़ियां महंगी जरूर हो जाएंगी, इस साल भी महंगी हुई है, अगले साल और महंगी हो जाएंगी। तो लोगों को ना अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ भेजना है, डीजल इंजन को कम करना है। डीजल इंजन वैसे बंद नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई हमारे जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो सारी भाई डीजल पे चलती हैं। तो वही है भाई, डीजल इंजन बंद नहीं होंगे, डीजल इंजन महंगे जरूर जाएंगे, डीजल गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। क्योंकि जो मजा डीजल इंजन को चलाने में आता है ना भाई हाईवे के ऊपर स्पेशली, वो मजा भाई नहीं आता पेट्रोल। मेरे को तो भाई देखो बड़ी SUVs के अंदर ना डीजल इंजन ही अच्छा लगता है, जो पावर जो टॉर्क आता है ना, आहा मजा आता है चला के। और आप सब में से कौन कौन है भाई डीजल इंजन लवर है, कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट है, जो जो भाई डीजल इंजन पसंद करते हैं। और कौन कौन सा डीजल इंजन आपको पसंद है? आपको फिएट के डीजल इंजन पसंद है, आपको टोयोटा के डीजल इंजन पसंद है, महिंद्रा के पसंद है, टाटा तो अभी भाई बड़ी गाड़ियों में अपना डीजल इंजन डाल ही नहीं रहा है। तो जो भी आपने डीजल इंजन चलाया हो, जो डीजल इंजन आपको सबसे पसंदीदा रहा हो वो बताओ मेरे को। बाकी जो कंफ्यूजन था आपका कि 2027 में डीजल इंजन बंद हो जाएंगे, वो भाई कंफ्यूजन नहीं है, डीजल इंजन बंद नहीं होने वाले। महिंद्रा का डीजल इंजन कितना चलता है जो 2.2 लीटर वाला है? क्योंकि सुलभ की जो XUV500 है वो ऑलमोस्ट चल गई भाई 1.95 लाख किलोमीटर, आप मान लो मोटा मोटा, तो 2 लाख किलोमीटर के बाद
गाड़ी में क्या खर्चा आता है, क्या मेंटेनेंस रहती है और क्या क्या चीजें खराब हो जाती है, ये आपको अभी चल के मैं दिखा देता हूँ। अभी हम चल रहे हैं अभिषेक भैया के पास। अब गुड़गांव में ट्रैफिक कितना है उसका फायदा उठाया जाए, पता कैसे? आपके सवाल जवाब चल रहे हैं तो आपके सवाल जवाबों के ही जवाब दिए जाए, है ना। तो एक भाई पूछते हैं, विक्रम भाई आपके हिसाब से ब्रेजा के अंदर कौन सा टायर परफेक्ट रहेगा 16 इंच में? 17 इंच का बताऊंगा, एक भाई ने 17 इंच के लिए भी पूछा है। तो 16 इंच में भाई आप डाल सकते हो 205/65R16। ये टायर ज्यादा चौड़ा नहीं रहेगा, आपकी माइलेज को भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को टायर थोड़ा चौड़ा डालना है तो फिर आपको 225/60/16 डालना है। अगर आप 215/60/16 डालोगे ना तो उसमें जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जल रहा है 205/65% और यहाँ पे डल रहा है 215/60, तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ, अगर आपको 215 ही डालना है तो उसमें 65R16 डाल सकते हो। 17 में जाओगे तो 17 में डालो 225/60/17, परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है उसका। और यही टायर साइज 17 इंच में आपकी क्रेटा के अंदर भी चलता है और आपकी सेल्टोस के अंदर भी चलता है। कंपनी से आपका डल के आता है वो आता है भाई 215/60/17 17 इंच में, 18 में अलग डल के आता है। 18 में डल के आता है 215/55/18, जो साइड प्रोफाइल है वो 215 का 55% हो जाती है। अब एक भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई काफी दिन से पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। भाई पूछता है, मेरी ऑल्टो केटन के अंदर 14 इंच में कौन सा टायर परफेक्ट रहेगा? देखो, मैंने बहुत बार ये बताया कि जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर टायर अपग्रेड करवाने के लिए जाते हो, जो साइज आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, 145 लगा हुआ है, 155 लगा हुआ है, ये बात मैं ऑल्टो की कर रहा हूँ। जैसे जो हमारी पुरानी मारुति होती थी उसमें 12 इंच आता था, तो 145/80/12 आता था। जो मेरी नैनो है उसके अंदर आगे जैसे हो गया 135/80R12 और पीछे होता था 155 या कुछ लोग 145 भी डाल देते हैं। अब ऑल्टो केटन है उसके अंदर वैसे तो 13 इंच का ऑप्शन आता था, लास्ट में शायद 14 इंच का ऑप्शन आ गया था, अमेरिका से तो नहीं आया था, आपने बाहर से अपग्रेड किया है तो अलग बात है, 15 इंच भी आ जाएगा भाई, लेकिन जो साइड वॉल है वो बहुत कम करनी पड़ेगी आपको। तो जो आप 14 इंच में चाहते हो तो उसके अंदर आप परफेक्ट डाल लो 155 परफेक्ट रहेगा। 165 या 175 आप डाल सकते हो, वो थोड़ा चौड़ा रहेगा लेकिन उसके अंदर आपको साइड वॉल कम करनी पड़ेगी, तो भाई उससे आपकी जो राइड क्वालिटी है वो खराब होगी। तो बेटर गो विद द 155 या 165। और जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी टायर लगवाते हो, एक बार भाई लगवा के चेक करके जरूर देखना, अपग्रेड की स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी OEM साइज दे रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी आप अपग्रेड करते हो उसमें लगा के चेक करके जरूर देखना, कहीं टच तो नहीं हो रहा है, कहीं कटाई करते हुए टच तो नहीं हो रहा है। मैं जब भी किसी भी भाई की गाड़ी में अपनी में लगवाता हूँ तो मैं हमेशा डाल के एक बार चेक करता हूँ, और आपको भी वीडियो में मैं दिखाता हूँ कि भाई आपने ये चीज चेक करनी है, लेफ्ट राइट कटाई करके ऊपर सस्पेंशन पे कहीं टच तो नहीं हो रहा, तो ये सारे पैरामीटर्स आपने भी फॉलो करने हैं, और साथ के साथ ऑटोमोटिव 17 को भी फॉलो कर लो। वीडियो तो देखते हैं आप, फॉलो नहीं करते यार, फॉलो करो यार फटाफट, फिर और मजा आएगा। तो भाई अपनी डिबिया को यहाँ पार्क कर दिया, मैं इसको डिबिया भी बोलता था यार, बड़ी क्यूट सी छोटी सी है ना, छोटी सी पार्किंग लेते हो, कितनी जगह पड़ी है, छोटी सी पार्किंग ली है। ये रहा भाई अपना अभिषेक भैया की वर्कशॉप, एंड ये खड़ी भाई स्लो वाली गाड़ी, इसका भाई पूरा ना मतलब जितनी भी इसमें कमी पेशी थी ना वो सारी पूरी कर जा रही है। ये डिग्गी भाई कम से कम भी पता नहीं कितने महीनों सालों से लगी होगी, सुलभ कमेंट करके बताइए भाई कब लगी थी ये डिग्गी, ठीक है। तो फाइनली इस बार भाई मैं इसको पेंट करवा रहा हूँ, ठीक, तो ये अपना पेंट करा देंगे इसको। तो फिलहाल मजे ले रहा है ना अपना, नई स्कॉर्पियो ले ली भाई ने, उसमें मजे ले रहा है। कैसे हो अभिषेक भैया, ठीक हो? मैं बहुत बढ़िया भैया। और भैया के पास ये गाड़ी आती है ना, मतलब भैया का तो प्यार है। दूसरी एक सुई ना दिख रही आज मेरे को, बाकी गई है ट्रायल पे, गई है क्या? इस गाड़ी के अंदर हमने बहुत सारा काम अभी किया है, जैसे इसकी क्लैडिंग है ये प्लास्टिक वाली, ये सारी बदल दी, मटरफ्लैप मंगवा ली भैया इसके, मंगा दी है। फ्रंट बम्पर भाई इसका टोटली नया है, चेंज किया है, हालांकि मैं कह रहा था उसको कि भाई इसकी ना लुक चेंज कर देते, इसका फेस लिफ्ट कर देते हैं, नहीं उसमें बोला नहीं 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 फेस लिफ्ट नहीं करना यही वाली में। तो जो इसकी ग्रिल थी पहले उसको भाई दोबारा से हमने अच्छे से पेंट कर दिया, एक आधा नक्का टूटा हुआ था तो उसको नक्का वेल्डिंग करके उसको चला दिया। बम्पर बहुत ज़्यादा भाई चाइनीज पेज भरे हुए थे, है ना, बोले कि यार हमें यही पसंद है। हाँ, फेस लिफ्ट हमने तो सोच लिया था, मंगा लिया था, सारा सामान और क्या करना, क्या था भाई, मायापुरी जाना था हमारे को, वहाँ से एक पुराना बोनेट उठाना था, बम्पर तो खैर नया पुराना ज्यादा फर्क था नहीं, क्योंकि बम्पर ना इतने साफ सुथरे मिलते नहीं भैया मायापुरी में। हाँ। मेटल पार्ट ज्यादा बढ़िया मिलते हैं, मेटल मिल जाता है, बट प्लास्टिक के तो बम्पर नके वगैरह वेल्ड कर रहे हैं। हाँ, वो वही वेल्ड कर रखते हैं, तो बस वही है, लाइट ही खराब नहीं है भाई, ये लाइट उसने थोड़ी स्मोकी करवा रखी है इसलिए ऐसी दिख रही है। बाकी भैया से अभी पूछेंगे हम कि इस गाड़ी में हमने क्या क्या काम करा और 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में क्या क्या कमी आती है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो भाई 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भाई ऐसा इंजन दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर क्या हालात हो रखे हैं भाई वो आपको अभी दिखाएंगे। इंजन तो खैर इस गाड़ी का अभी ओके है, लेकिन एक चीज है जहाँ गड़बड़ हुई है वो आपको दिखाते हैं। और भाई ये देखो टायर भी उतार रखे हैं, एंड भाई इंजन की चेसिस है
वो भी उतरी हुई है अनजो, पूरा गियर बक्सा खोल रखा है आपके। बताऊं ना धीरे धीरे एकदम से झटका ना लगे। चलो दिखेगा यार, एक छोटे से काम के लिए गाड़ी आई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी गाड़ी में इतना काम बढ़ जाएगा भैया। आवाज तो छोटा सा ही था पर उसने बहुत परेशान करा। तो करते करते आदमी को जो पता लगता है जब वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए भाई। तो आपको देख के समझ आ गया होगा, जिन भाई को पता होगा कि ये गाड़ी का गियर बॉक्स है, हमने इसको ना पूरा खोल रखा है। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। अब अभिषेक भैया अपने को बताएंगे कि क्या खराबी थी, क्या इसमें क्या कुछ हो रखा है और क्यों हमने इसको ऐसे खोल रखा है। भैया खोलना इसलिए पड़ा ना, इसके अंदर आवाज आ रही थी। अच्छा, आवाज नहीं गूंज की आवाज थी। और एक्सल ना इसका कभी कभी डिप करता था। अच्छा हाँ, तो ये क्या है ना, इसका डिफेंसल है। ओके, इसमें दोनों साइड से एक्सल आके इसमें फंसता है। ठीक है, दोनों साइड से एक्सल आके दोनों साइड बैरिंग हो गए। हाँ, दोनों साइड बैरिंग हो गए और ये गियर बक्से को मूव करता है। ओके, जैसे अपन ये गियर वाला लगाते हैं। हाँ ठीक है, यही सांडी पे बैठता है ये वाला जो होता है, लास्ट में जाके इसमें बैठेगा भाई। और ये वाला जो होता है ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है इसमें? ये दिक्कत तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वैसे तो ये इसके बैरिंग है दोनों डिफेंसल के। हाँ, ये बैरिंग इसके खराब है, ये बैरिंग इसके घिस गए, कट गए। तो और ये घिसने का कारण क्या होता है? हाँ, जैसे कई लोग क्या कहते हैं भाई, सर्विस करा ली हमने, इसमें गियर ऑयल चेंज करा दिया। बहुत से लोग खोलते नहीं है इसको, और ये ख़राब वैसे तो नहीं होता, सिर्फ गियर ऑयल की वजह से ही कटता है भाई। गियर ऑयल की क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो जाए, आप टाइम से उसको चेंज नहीं कराते हो, जब ये दिक्कत आती है। तो मोस्टली गियर ऑयल हमारे को 40,000 रुपये चेंज करा देना कर देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं भाई कंपनी कहती 50 पे कर दो, 60 पे कर दो, क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है, गियर ऑयल ही चलता है, ये होता है बंद। हाँ भाई, आदमी उसको वैसे तो नहीं चेक कर सकता। मैं भी सर्विस कर रहा हूँ, मैं आपसे कह दूँ भाई गियर ऑयल मैंने चेंज कर दिया। हाँ, पर ये आप देखोगे नहीं ना कि भाई कहीं से लेबल तो आपको दिखेगा नहीं। जो घने बड़ी वर्कशॉप वाले हैं ना, ये चेंज नहीं करते, नहीं करते, ये सोचते क्या बिगड़ता है क्या नहीं बिगड़ता। बता रहा हूँ भैया, ये गाड़ी मेरे पास और आई थी जिसका मैंने गियर बक्सा करा था, एक सूवी 500 थी, वो भी दिल्ली में रहते, उनके अंदर भी दिक्कत थी। वो गाड़ी सेम प्रॉब्लम था इसका, ये क्या होता है बैरिंग इसके घिस जाते हैं, सारा लोड तो इनके ऊपर ही आता है, दोनों साइड से एक्सल आगे फंसता है और यही चलाता है इसको, ये फिर गियर को मूव करता है। ये सारे इसके गियर हैं, गियर तो ठीक लग रहे हैं, दांते मेरे को ये दांते सारे सही हैं अभी, है ना, दांते कहीं कुछ दांते भाई हम इनको बोल रहे हैं गैराजों के। मैं तो कहता हूँ ये 500,000 भी चले ना तो ये खराब नहीं होगा। अच्छा, और महिंद्रा के खास करके आपको पता है ना, महिंद्रा की गाड़ियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा आती हैं, और ऐसा कोई महिंद्रा की गाड़ियों में अंदर नहीं है कि जहाँ तक आदमी पहुँच के उसको बता नहीं सके कोई चीज़ है। अगर टाइम से आप मेंटेन करते हो तो खराब कैसे हो? तो भाई ये इसलिए खराब हुआ है क्योंकि इसका टाइम पे गियर ऑयल चेंज नहीं हुआ। अगर ये टाइम पे गियर ऑयल चेंज होता तो ये बैरिंग खराब नहीं होता। खराब इस बैरिंग की वैसे लाइफ कितनी होती है अगर टाइम पे अगर हम चेंज करते रहे तो? ये बैरिंग की गियर बक्से के लाइफ तो आप चलाते रहो इसको 500,000 किलोमीटर जब भी खराब। अच्छा, बैरिंग 500,000 किलोमीटर चल जाता है? वैसे नहीं खुलते ना गियर बक्से, खुलता ही नहीं। आप 100 गाड़ियों में एक गाड़ी होगी जिसके गियर बक्से खुलते हैं, कुछ गरारियाँ टूट जाती इनके कारण से, नहीं तो ये बैरिंग भी ऐसे हैं कि इनके साथ ही चलेगा और ये चलता ही तेल के ऊपर है। हाँ, इनके अंदर ग्रिस नहीं होता, ये गियर बॉक्स के ऑयल के ऊपर ही चलता है। तो ये जब ही खराब होगा जब इसकी क्वालिटी खराब होगी या गियर ऑयल कम होगा। हाँ, क्योंकि बैरिंग अगर सूखा चल गया बगैर ग्रिस या बगैर ऑयल का खराब होएगा वो, क्योंकि ग्रिस इसमें नहीं होता है, ऑयल पे ही चलता है, ऑयल पे चलता है, ऑयल के पोजीशन पे ही चलता है। हाँ, आपको पता कैसे लगा ये कि ये भाई खराब हो गया, ये बैरिंग की आवाज़ है, कैसे पता लगा आपको? गियर बॉक्स के अंदर ही गूंज आ रही थी। अच्छा हाँ, ये जब मैंने ना गाड़ी तो वैसे तैयार कर दिया था पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था और इस कारण ना इसका एक एक्सल का ना एक एक्सल में जो ये बैरिंग लगा होता है राइट साइड में। अच्छा, ये ना इसका भी मैंने नया डाल रखा है। हाँ, ये हमने चेंज किया अभी, इसी के कारण ना ये झटका लग के ये टूटा हुआ था। अच्छा अच्छा, जो मैं गियर चेंज करके बता रहा था एकदम से झटका लग के मार रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो इसी कारण ना इसका ये वाला बैरिंग पे थोड़ा सा लोड भी वैसे भी पड़ा है और इस कारण झटके से ना तो ये झटका ले रहा था। ओके, और तो ये वाला पार्ट कितने का आया अभिषेक भैया? ये बैरिंग नया डाला फिर इसमें? ये पूरा इसका, हाँ ये बैरिंग के साथ झूला ही आया था इसका। अच्छा, मेरे ख्याल से 3,400 या 3,500 रुपए का आया था। तो ओरिजिनल महिंद्रा का पार्ट है? सारा महिंद्रा डब्बा लगी गाड़ी में होगा इसका। तो भैया भाई ये पार्ट तो भैया सारा ओरिजिनल ही डालता हूँ मैं, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, और मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई पार्ट जेन्युइन ही डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि चाहे आप ऑथराइज वर्कशॉप में सर्विस कराओ चाहे बाहर चेकअप कराओ, आपका जो टेक्नीशियन है, आपका जो मेन हेड मिस्त्री है, हमारे तो अभिषेक भैया है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है, भैया के पास इतने लड़के काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन भैया आज ही भाई देखो खुद आप हाथ देख लो भैया के। हाँ, नहीं, नहीं, भैया डेली का है भाई,
खुद जब तक चेक नहीं कर लेंगे ना, जब तक कस्टमर को गाड़ी डिलीवर नहीं करते, खुद ट्राई लेंगे, खुद चेक करेंगे। तो इसलिए भाई हमारा भरोसा अभिषेक भैया के ऊपर बना हुआ है, आज से नहीं है। मैं भैया को कम से कम ना करते तो 2012-13 से जानता हूँ आपको, ठीक है, तो तब से, और शायद उससे एक साल पहले, और हम मिले भी ऐसे ही, रात को किसी का एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे गोल गोल रोड पे ही मिले थे हम, तो ऐसे ही मिले थे भैया से। तो एक ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई बहुत कम टाइम में और इतना बढ़िया काम बंदा करके देते, और रेट बहुत अच्छा, और पार्ट चेक कोई सी भी गाड़ी काम कराते हैं हम यहाँ, सारा पार्ट भाई जेन्युइन। अगर नहीं मिलेगा तो भैया क्लियर बताते कि भैया ये वाला पार्ट जेन्युइन नहीं मिल रहा, फिर ये मैं कहीं कश्मीरी गेट है कहीं और से अरेंज करते करते, फिर भी ओरिजिनल अरेंज है, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो होता है इस वर्कशॉप में जो स्पेयर पार्ट अपने को मिलता होता है। तो मेन चीज़ वही है भाई, पार्ट अगर गाड़ी के अंदर जेन्युइन डलता रहेगा ना, गाड़ी मरती नहीं है। और वही बात है, अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, अरे बाकी आप देख रहे हो, ये सारा सिल्वर होता है। अब 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ना ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन ये इतना खराब, इतना जमता नहीं है ऑयल, क्योंकि ऑयल घिसने के बाद भाई अपना कार्बन वगैरह सब कुछ छूटता है भैया, वो जमता है। अगर आप टाइमली तेल बदल दोगे तो भाई कुछ भी खराब नहीं होगा मैकेनिकली। तभी तो कंपनियों ने यार ग्रेड्स रख रखे हैं, एक टाइम फ्रेम रख रखा है कि इस टाइम फ्रेम के बाद भाई आप ये चीज़ बदल दो, नहीं तो उसके साथ साथ आपकी बाकी चीज़ें भी खराब हो जाएंगी। तो ये चीज़ थी, अगर इसका तेल टाइम पे बदल दिया होता। वैसे गियर ऑयल कितने का पड़ता है भैया? गियर ऑयल इसका कितने का? 900 रुपये का। बताओ अब 900 के चक्कर में कितना खर्चा बन गया? कम से कम भी होगा इसका 4-4.5 हज़ार का। बताओ दोनों बैरिंग बैरिंग आएगा इतने का? तो वही बात है भाई, देखो बैरिंग बैरिंग ये लोग खोलने के भी बड़ी एक वो है ना, फिट भी करना है इसको, वैसे तो ये सारा काम लेबर भी लगेगी। हम गाड़ी के पास, अब गाड़ी का देखो इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, इंजन बिल्कुल ओके चल रहा है भैया, इंजन भैया बिल्कुल ठीक है, क्लच भी बिल्कुल ठीक है, डाउन हो रखी है। नहीं क्लच अभी चलेगा, कोई अभी चल जाएगी, कितनी निकाल देगी? अभी 20-30 हज़ार किलोमीटर। 20-30 हज़ार मतलब दो सर्विस के बाद क्लच का काम आएगा? हाँ क्लच का काम आएगा। गियर बक्सा खुला था, क्लच का भी करी देते साथ साथ? गियर बक्से का बैरिंग हम टाइम से नहीं चेंज करते, हाँ तो ज्यादा नुकसान हो जाता है आगे आगे गियर बक्सा, हाँ अंदर टूट जाता और पार्ट तोड़ता। ये व्हील बैरिंग होता है भाई, ये देखो अब चला चला, ये देखो वैसे आएगा नहीं, हाँ हाथ में पता लगता, हाँ पता लगता है। तो भाई ये पूरा चेंज हुआ था, चला एक पीछे वाला और एक आगे का, लेफ्ट साइड के दोनों चेंज हुए हैं भाई ये वाले। तो वही है भाई, टाइम टू टाइम तो भाई गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है, हमारा शरीर जैसे मेंटेनेंस मांगता है, हाँ, तो गाड़ी में तो मेंटेनेंस मांगेगी ना भैया, और टाइम पे मेंटेन नहीं करोगे तो भाई देखो चीज़ खराब होगी होगी। तो इसीलिए पीरियोडिकली मेंटेनेंस गाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भी गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली NCR में भी कहीं भी रहते हैं, अब जैसे सुलभ की गाड़ी है, ये गाड़ी अपने पास रोहतक से आती है, और भी मेरे बहुत से जानकार हैं जो भाई अपनी गाड़ी यहाँ लेके आते हैं। और भाई क्यों, वो किस लिए? क्योंकि भाई ये तसल्ली बख्श काम होता है, दुकान में लिखा नहीं होता यहाँ तसल्ली बख्श कार्य किया जाता है, तो वो तसल्ली बख्श काम होता है। मेरा मेन कारण यही था आपको बताने का कि भाई पीरियोडिकली मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप डीजल गाड़ी 10 साल चलाओ, 10 महीने चलाओ, चाहे उस गाड़ी को 10 लाख किलोमीटर चलाओ और रही बात वर्कशॉप की, अब आप काफी लोग कहते हैं बॉश के ऑथराइज वर्कशॉप है, हमारे एक जानकार का ही है गुड़गांव में, नाम नहीं लूंगा भाई, वो वीडियो देख रहा हो तो समझ जाएगा विक्रम भाई तू पोल खोलता है यार। भाई उसके पास ना एक स्विफ्ट सर्विस होने के लिए डीजल वाली थी, उसका भाई तेल तक चेंज नहीं किया उन्होंने। एक मैडम थी मोहतरमा जो छोड़ के गई थी गाड़ी को, और वो क्या कहती है कि भैया इसकी बढ़िया से सर्विस कर देना। उन्होंने भाई कुछ नहीं किया, भैया तेल चेक किया, मार तेल तो बदल दे, बोला अभी बचा हुआ है ठीक है अभी। मैं क्यों यार पता लग गया तो, बोला यार डीजल इंजन है क्या पता लगना है, डलते तो काला हो जाता है। वाह भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, बहुत करते हैं। हाँ देखो वर्कशॉप बदनाम क्यों होता है भैया, इसी कारण होता है। अब आप मेरे पास आते हो 10-15 गाड़ी एनी टाइम खड़ी, हाँ खड़ी रहती है, तो ये ट्रस्ट पे ही होती है बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो एक दिन ही करोगे। हाँ तो फिर मैं उसको ये बोला, मैं यार तू यार चेंज तो कर दे कम से कम, तेरा क्या लगे, तू पैसे भी तो ले रहा है। बोला ऐसे ही थोड़ा यार, वर्कशॉप चलती है, बहुत बड़ी वर्कशॉप है उसकी, मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है, तो बोला ये खर्चे वो खर्चे। तो भाई यही चीज़ है, जितनी बड़ी है दुकान होगी उतना बड़ा टाका मारते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता सारे एक जैसे होते हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं, हमारे भैया भी हैं उधर बहुत अच्छे हैं काम करते हैं, वो भी मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप चलाते हैं, लेकिन आपका वहाँ खड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप वहाँ खड़े रहोगे ना, पार्ट जो भी डलवाओ सारे जेन्युइन डलवाओ, और कितना तेल कितना किलोमीटर पे चेंज हो रहा है वो सारा आपको पता होना चाहिए। एक बार भैया फटाफट बता दो, इंजन ऑयल कितने पे चेंज होना चाहिए? डीजल का, पेट्रोल का, गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और ट्रांसफर केस? कोई भी गाड़ी हो है भैया, गाड़ी कोई सी भी हो भाई, मान लो कंपनियां कहीं कहती 15,000 रुपये करा लो, आप मैंने सिंथेटिक तेल डाल दिया, पर मैं तो ये कहता हूँ लोगों को भाई 9-10 हज़ार के बीच में सर्विस करा लिया, ठीक है तेल बदल गया 60-70 हज़ार किलोमीटर तक, ठीक है, उसके बाद तो आप 7-8 हज़ार रुपये तेल फिल्टर चेंज करा लिया, करा लो, फिर आपको ना मैं लिख के देता हूँ कभी जीवन में आपका इंजन नहीं खुलेगा। ठीक बात है, ये मेरी गारंटी है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ,
आप सिर्फ टाइम से उसका ना 70,000 के बाद गाड़ी के 7-8,000 रुपये सिर्फ तेल और फिल्टर चेंज करा लिए। हालांकि कोई गाड़ी ऐसी नहीं है उसमें 20,000-50,000 का खर्चा है तेल में। भाई हद से हद अगर अच्छी क्वालिटी के तेल डालोगे तो 2,000-2,500 रुपये का इंजन आला, ठीक बात है, और 700-800 रुपये के फिल्टर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक कोई 20,000 रुपए लग गया सर्विस में और वो चीजें लग गया। पेट्रोल का हमें पता लग गया गाड़ी 40,000 रुपए, 40,000 अगर खूब आप खेत के चले 50,000 रुपए ना गियर ऑयल चेंज करा दिया करो, ठीक है। ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर फ्यूल वगैरह है, जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं हम कंपनियां कहती है लाख पे करा लो, हाँ उनके भी कह दो कि 80,000 रुपए आप भी करा लो, ठीक है, कभी नहीं खुलेगा चाहे किसी कंपनी का गियर हो। अब टोयोटा कहते हैं कि हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ट्रांसफर केस है, वो लाइफ टाइम के लिए है, तो लाइफ टाइम तो मेरे ख्याल से होता नहीं है। हालांकि बहुत से टोयोटा की होंडा है, इनकी भी कहते हैं भाई गियर ऑयल हम जल्दी चेंज ही नहीं करते, पर कर लाख किलोमीटर वो भी कर देना चाहिए किसी का भी हो, भाई ये खुलेगा थोड़ी ना, ठीक बात, भाई इसमें तो गियर चल ही रहा है, भाई चलने को तो इसको बंद कर दो तो खराब क्या ही होना है, ठीक बात। बट ये जब खराब होता है जब भी पता लगता है आदमी कि भाई नहीं आज ये नुकसान हो गया और ये चीजें खराब हो। रही बात भाई एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर आपका जब भी खराब हो जाए, कोई फिक्स टाइम नहीं है एयर फिल्टर का, एयर फिल्टर 5,000 भी चल जाता है, 15,000 भी चल जाता है, लेकिन आप 10,000 में तो बदलवा दो, लेकिन 5,000 रुपये अगर खराब हो जाता है, अगर आप ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में चलते हो जहाँ पे धूल ज़्यादा रहती है, तो 5,000 रुपये बदलवा दो, या हर 5,000 किलोमीटर के बाद उसको एक बार खोल के चेक कर लो। तो ये मिथ है भाई कि डीजल गाड़ियों का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है ओवर द पेट्रोल इंजन, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता कि आप उसको इतना बड़ा हवा मान लें कि यार ये गाड़ी तो यार ऐसा हो गया, ये हो गया, इतना महंगा खर्चा बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं। पीरियोडिकली मेंटेनेंस कराओ, कोई दिक्कत आती है। अभी हमारी 30,000 की सर्विस होनी है हमारी स्कॉर्पियन की, उसमें मैं आपको बताऊंगा हमारा क्या खर्चा रहा, क्या कुछ चेंज कराया हमने, तो वो सारा आपको उस वीडियो में पता लगेगा। बाकी अभी हम इस गाड़ी का काम कंप्लीट कराते हैं और फिर चलते हैं। ले जब तक आपको मैं गाड़ी के बारे में बता रहा था, भैया ने भाई गाड़ी भी दिलवा दी अपनी, चलो अपनी डिबिया सही दुल गई। 75 years later हमको लेके निकला था मैं गाड़ी को, और ना करते भाई देख लो गाड़ी 41.8 मतलब 42 किलोमीटर चल गई और 1 किलोमीटर चल जाएगी घर तक। एंड भाई बैटरी जो अपनी बची है 40%, एंड आई थिंक जब मैं घर से निकला था उस टाइम 62% के अराउंड थी, और जो हमारी रेंज थी वो 132 किलोमीटर थी। तो आप इसी से देख लो कि ना जितने परसेंटेज बैटरी घटी है उतना ही उसका डबल रेंज कम हुई है। वो क्लियर सी बात है कि 1% पे ये 2 किलोमीटर चलती है। फिर आप हो गए विक्रम भाई ये तो 52 होनी चाहिए थी, 52 किलोमीटर 54 होनी चाहिए थी, 10 किलोमीटर कहाँ चले गए, वो रेंज कहाँ गई। तो जितना भाई अब मैं लोकल में चला हूँ भाई, मैं खड़ा भी रहा हूँ, सिग्नल में भी खड़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैंने गाड़ी कहीं रोकी है तब भी मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहा हूँ और गाड़ी स्टार्ट रही है, मतलब स्टार्ट करने का मतलब मोटर तो चलती रही है ना भाई, बंद नहीं किया मैंने गाड़ी को। तो वो जो एसी चल रहा था गाड़ी के अंदर गर्मी में ठंडक का जो मैं एहसास ले रहा था, वो बैटरी वहां पे गई। तो सिटी के लिहाज से तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। अभी मैं जाऊंगा इसको पीछे खड़ी करूंगा, फिर आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। अब देखो जैसे मैंने घर पहुंच के गाड़ी को पार्क कर दिया, लेकिन एसी बराबर चल रहा है, बराबर ठंडी हवा आ रही है, अभी मैंने इसको बंद नहीं किया है। अगर मैं इसको वैसे भी बंद करना चाहूं बटन से, तो यहाँ पे ना एक स्विच दे रखा है, दबाऊंगा ना, ये देखो ये सब बंद हो जाएगा। अब गाड़ी टोटली बंद हो गई है, बैटरी 40% बची है, रेंज है हमारी 80 किलोमीटर की, और हाँ गाड़ी मैंने भाई प्रॉपर इको के मोड में ही चलाई है। ये देखो अंदर भी आ गया ना, चार्जिंग का ऑप्शन क्लियर दिख रहा है। अब ये देखो अंदर लिखा हुआ है चार्जिंग 40%, एंड बाहर ये देखो यहाँ लाइट ऑन रहेगी, जब तक गाड़ी की चार्जिंग रहेगी यहाँ पे आपको ये MG के अंदर लाइट ग्लो करती रहेगी। जैसे चार्जिंग कम्प्लीट हो जाएगी यहाँ से भी लाइट बंद हो जाएगी। एंड वैसे तो 0 to 100 भाई ये हो जाती है 7.5-8 घंटे के अंदर आराम से, मतलब अब क्या इतने बजे हैं, अब आप ये देख लो रात के 12:30 बजे हैं, ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5-1 घंटे के अंदर ना हो जाएगी, सुबह 5-6 बजे के अराउंड ना ये फुल चार्ज मिलेगी अपने को, मतलब उससे पहले ही हो जाएगी, 4-1 घंटे के अराउंड में हो जाएगी। पर ठीक है रात को चार्ज लगा के छोड़ दो, सुबह अपना लेके निकल लो। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है इसका ना, बस चार्जिंग अपना नॉर्मल पावर सॉकेट चाहिए इसको, और कुछ खास जरूरत नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता, उसमें तो फटाफट चार्ज होती है, फिर तो भाई आप एक कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो कि वहां से वहां मेरे पे जाना, फिर मैं इसको चार्ज कर लूँ और वहां से वहां जाना है, मतलब प्लान ट्रिप कर सकते हो, अनप्लान नहीं कर सकते। हाँ सिटी में जैसा मर्जी प्लान करो, 170 किलोमीटर तक आप फ्री हो। कि ये खड़ी भाई अपनी दोनों राम प्यारियां, उसका सर्विस का टाइम आ रखा है, इसका पावर बढ़ाने का टाइम आ रखा है, तो देखते हैं पहले किसका काम जल्दी होता है, इसकी पावर पहले बढ़ती है या उसकी सर्विस पहले होती है, है ना। बाकी वॉशिंग की जरूरत तो दोनों को ही हो रखी है, दोनों ही बहुत गंदी हो रखी है, धूल ही इतनी उठती है यार, देखो साफ करके खड़ी करी थी, बोनट पे कितनी मिट्टी आ गई।